भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर डीएसटी भारत सरकार के तहत एक स्वशासी संस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उच्च अध्ययन संस्थान IASST देश की स्वतंत्रता का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुआ है। कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मैं आदरणीय निदेशक महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वह मंच पर आकर अपने विचार व्यक्त करें। वंदे मातरम। आज के स्वतंत्रता दिवस देश के सारे शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों तथा हमारे देश के वीर जवानों के नाम उत्सर्गित है। आज हमारे बीच उपस्थित लगभग सभी लोग अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारा जन्म आजाद भारत में हुआ। हमारे स्कूल और विश्वविद्यालय को यह सिखाना चाहिए कि काम और जीवन, इस दोनों को एक साथ करते हुए कैसे जिए, कैसे बढ़े और कैसे जीते। जैसा मैंने पहले भी कई बार कहा है, शोध का परिणाम केवल शोध पत्र तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमारे इस देश के औद्योगिक विकास, सामूहिक विकास, खासकर समाज के पिछड़े हुए वर्गों के लोगों के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। विकसित भारत 2047, जो कि अब सबसे अधिक चर्चा का विषय है, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी दृष्टि का एक प्रतिनिधित्व करता है। इस शब्दों के साथ एक बार मैं फिर से आप सभी का धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय हो। जय हिंद, जय आयाम। देशभक्ति मूलक गीत प्रस्तुत करने के लिए मैं साक्षदीप और उनके मित्रगणों को आमंत्रित करता हूँ। कार्यक्रम में प्रसिद्ध इतिहासकार और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर प्रोफेसर सुभाष चंद्र मुखोपाध्याय जी को सम्मानित किया गया। प्रोफेसर मुखोपाध्याय जी ने अपने पिता के साथ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। उत्सव में जीवंतता जोड़ते हुए IASST के शोधकर्ताओं ने देशभक्ति मूलक गीत और राजगान की प्रस्तुति की। आज का यह समारोह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता को श्रद्धांजलि है। जय हिंद।